भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने दीगर लीडरान के साथ सूबाई दफ्तर जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तालिब हुसैन भाजपा हेडक्वार्टर में बड़ी दहशत गर्दाना साजिश अंजाम देना चाहता था। जिला रियासी के गुलाबगढ़ क्षेत्र के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है और लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादी तालिब हुसैन शाह और फयाज अहमद डार को गिरफ्तार करके एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है और आतंकवादियों के एक बड़े पैमाने पर जो खून खराबा करने की साथ। मंडी के राजपुरा में मोटरसाइकिल हादसा का शिकार बूढ़ा अमरनाथ पर आए दो यात्री जख्मी। मुकामी लोगों ने दोनों को सब जिला अस्पताल मंडी पहुंचाया, इलाज मुआवजा जारी। यहाँ से जो घर की तरफ रवाना थे तो अचानक हमें जो एक्सीडेंट जो पर्सन थे वो जम्मू से आए थे कहीं बूढ़ा अमरनाथ की तरफ, तो उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो हमने हमारा एक इखलाक की फर्ज था कि इंसान हजरत पीर सदीक शाह साहब का दो रोजा उर्स जारी। अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में की शिरकत, अपनी अकीदतों का किया इजहार। भरपूर तावन दिया, यहाँ पुलिस का हमला था, ट्रैफिक पुलिस थी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, बिजली का कॉपरेट मिला, बिजली महकमे का पीएचई महकमे का कॉपरेट मिला और यहाँ बड़ी शान और शौकत के साथ दो रोज़ा उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो रहा है। तरह तरह के उलमाए सुन्नत के उलमाए किराम ने भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पफलियाज में बच्चों की जानिब से तैयार किए गए मॉडल्स की नुमाइश लगाई गई। महकमा तालीम के रियासती सतह के ऑफिसरान ने लिया जायजा, बच्चों की और असातिज़ा की कारकर्दगी को सराहा। पुंछ में मुख्तलिफ सड़कों की खस्ता हालत, अवाम मुश्किलात से दो चार। बीजेपी के जिली सेक्रेटरी ने किया इंतजामिया से बरहमी का इजहार, मुरम्मती का किया मुतालबा। देखिए, मैं समझता हूँ कि पुंछ की लोगों की बड़ी बदकिस्मती है। देखिए, हॉस्टल से लेकर डीसी हाउस तक रोड में इतने खड्डे हैं कि गाड़ियाँ, आप आम चलने वाला जो आदमी है उसके कपड़े खराब होते हैं, पानी छीटे पड़ती हैं, आम स्कूटर मोटरसाइकिल वाले इतने परेशान हैं। डिपार्टमेंट क्या करता है कि हर बार इसकी थोड़ी मोटी रिपेयरिंग करवा के इसके पूरे पैसे निकाल के आ जाता है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने इतने फर्ज दे रखे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, कमी है तो इंतजामिया की, जो इंतजामिया यहाँ पर तो काम करती है।
फौज का एक अहलकार जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने मुआयना के बाद फौज के हवाले किया। डॉक्टरों के मुताबिक सुनील कुमार नामी 32 साल शख्स दिमागी हालत ठीक नहीं है। नाम क्या था? तो सर कहाँ का रहने वाला? नेपाल नेपाल। सुरनकोट अदालत ने कमिश्नर पुलिस ऑफ दिल्ली को कोर्ट में हाजिर होने की दी हिदायत। मुकामी वकला ने कोर्ट के फैसले पर किया मुसर्रत का इजहार। पुलिस कमिश्नर जो है वो सुरनकोट तशरीफ लाएंगे। लॉ में एक इडियम है, अभी जस्ट इवी रिमेडियम, वेयर देयर इज अ कॉज ऑफ एक्शन देयर इज अ रेमेडी। जब जब कोर्ट के सामने इस तरह के मामला आते हैं, इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो कोई भी कोर्ट हो हिंदुस्तान के अदालत, हर कोर्ट स्ट्रांग है, हर कोर्ट इम्पार्शल है, जो है इन अकॉर्डिंग विद लॉ जो है काम करता है, तो इस तरह के जो है फैसले, इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं। और हमारे सुरनकोट पूंछ में वाकई ही एक हिस्टोरिकल ऑर्डर है कि एक कोर्ट ने जो है एक कमिश्नर, डेली पुलिस कमिश्नर जो DGP के रैंक का नाम ऑफिसर है, उसके नाम एक नोटिस निकाला है और उसको कहा है कि आइंदा तारीख पर आपने यहाँ पर आना है। और ये डायरेक्शन दी गई है सेक्रेटरी होम को कि यू हैव टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द कमिश्नर पुलिस ऑफ दिल्ली इन दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। महकमा ICDS के हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। अदालत के फैसले पर अमल दरामद का क्या मुतालबा? हमारी भूख हड़ताल होगी। मेरा नाम रिंका देवी है, हम ICDS से हैं, हेल्पर टू सुपरवाइजर। हमें हो गए चार साल, उस पहले 3 साल हमें पे नहीं दी, उसके बाद इन्होंने हमारा क्या टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद हम एक दिन इन्होंने टर्मिनेट किया, हमें उसके पहले ही क्या बहुत 4-5 दिन पहले ही वो कोर्ट में केस किया था इन्होंने। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करके देखा इन्होंने, फिर हमें टर्मिनेट ही कर दिया। टर्मिनेट करके फिर हम इधर आए, प्रोटेस्ट करते रहे, हमें 3 साल हो गए हम ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट। मनरेगा मुलाजमीन का भारतीय जनता पार्टी के सूबाई दफ्तर जम्मू के बाहर एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफे और तमाम मुलाजमों को मुस्तकिल करने का क्या मुतालबा? हमारे बीच में डिफरेंट विंग्स हैं, जैसे कि हमारे PO साहिबान हैं, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट हैं, हमारे MS ऑपरेटर हैं, GRS हैं। हम लोग पिछले 13 से 14 सालों से, कुछ लोग 2006 में लगे हैं, जो 16 ANC के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरनाथ यात्रा के दौरान मुख्तलिफ शाहराहों और बाजारों में लगाई गई पाबंदियों पर किया इजहार तशवीश। शायद कुछ जाने बचे। नंबर 2, ट्रैफिक पुलिस पे, हम सब पे, सिविल सोसाइटी पे भी, सियासतदानों पे, हर किसी पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये हम सब की जिम्मेवारी है। जहां भी किसी बाइक को देखा आपने, आप लोगों के भी, कोई हेलमेट के बगैर नहीं चलेगी बाइक। आपके पीछे भी जो बैठा होगा उसको भी हेलमेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम ये जाने जाया कर रहे हैं। और अगर इस पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट, उनसे मैं खसूसन दरखास्त करूंगा यहां के IG ट्रैफिक से, आप बराए करम, हाँ आपके पास शायद फोर्स की कमी हो, मगर जितना भी आपके पास है, आप खुद बगैर ये कि आप ऑफिसेज में बैठे, आप रोड्स पे जाएं और किसी बाइक वाले को बगैर हेलमेट के या तेज रफ्तारी से ना चलने, ये हमारी गुजारिश है आपकी चैनल के थ्रू। डायरेक्ट मैं आज बात कर रहा हूं आपकी चैनल के थ्रू अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आप इस पर फिलफोर कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी के श्री पवन ने AICC हेडक्वार्टर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना, कहा ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर दहशतगर्द निकला हो। देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसी सिलसिले की एक प्रेस वार्ता है
और मैंने इसको एक शीर्षक जानबूझकर यह दिया है कि आतंकवादियों से नाता है यह रिश्ता क्या कहलाता है। पिछले एक सप्ताह में जो घटनाएं घटी उससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ। पहले उदयपुर में शामिल